अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोपरखेरने में महाविकास आघाड़ी का चुनावी शंखनाद, शशिकांत शिंदे और विजय नाहटा का दावा, मनपा में जीतेंगे। ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी तुकारामाचा गाथा सुखदेवरावांचं नाव घेते आजच भाऊ चरणी माझा कशाला माझ्या चरणी आम्हीच तुमच्या चरणी या अभिनंदन दहात पसावे दहात उठावे दहात सारखे वागावे मारुतराव मिळाले देवासारखे आणखी काय मागावे आणि मी शिवसेने नेक्ससकडे मदतीसाठी अप्लाय केला होता तेव्हा मला विसर्जनाची त्यांच्याकडून मदत मिळाली त्याबद्दल आदेश भाऊजींचे आभार धन्यवाद भाऊजी धन्यवाद महाराष्ट्र में भाजपा को पटखनी देकर सत्ता पर काबिज हुई महाविकास आघाड़ी अब नवी मुंबई महानगर पालिका में भी अपनी सत्ता कायम करने के जुगाड़ में जुट गई है। कोपरखेरने में आयोजित खेल मांडियेला में जहां आदेश बांदेकर ने महिलाओं का मनोरंजन किया, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शशिकांत शिंदे और शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने मंच से चुनावी शंखनाद करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका में महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा किया कि आज राज्य के बीजेपी की वहाँ पे नवी मुंबई में वहाँ पे सभा चल रही है, बैठक चल रही है, यहाँ पे हमारी महाविकास आघाड़ी की महिलाओं की रैली चल रही है। फर्क इतना ही है कि हमने शुरुआत की है और हमको यकीन है कि इस नारी शक्ति के ताकत के हम लोग आगे का चुनाव जीतेंगे और महाविकास आघाड़ी जो राज्य में बनी हुई है पहली इलेक्शन हो रही है और नवी मुंबई महानगर पालिका का, और मुझे विश्वास है कि हम लोग सब एक साथ में काम कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो गए। 5 साल में महाविकास आघाड़ी को जो बहुमत नहीं होने के बाद भी लोगों ने अपना यह है, आज मंत्रालय में जाके देखिए इतनी भीड़ होती है। पिछले 5 साल में लोग यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे नाराज थे, उन्होंने बदलाव किया, महाविकास आघाड़ी अच्छी तरह से चल रही है। और आप अगर देखेंगे तो देश में और महाराष्ट्र में अभी एक एक बाहर आ रहा है कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार हो, कितना बेरोजगारी हो, हम वही मुद्दे को लेके हम लोग आगे जाएंगे और उनका जो आरोप है वो उसमें कुछ उसमें दखल देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत से लोग संपर्क में है और मुझे यकीन है कि जो चुन के आने वाले हैं जिनकी ताकत है उनको लेके हम लोग ये सत्ता हासिल करेंगे। 100% पे रहेगा और आज उसकी शुरुआत हुई है। आदेश जी बांदेकर का प्रोग्राम हम लोगों ने कोपर खरने में ऑर्गेनाइज किया है और आप देख रहे 6 से 7 हज़ार महिलाएं यहाँ पे आई हुई और सबको बहुत आनंद मिल रहा। लास्ट चुनाव में भी आदि से आए थे तो हमारे जो 15 नगर सेवक थे वो 38 तक पहुंचे थे, तो मैंने आज आश्वासन दिया उनको कि हमारे 80 नगर सेवक चुन के आएंगे। कांग्रेस की ताकत, राष्ट्रवादी की ताकत और सेना की ताकत इकट्ठा हुई है तो हर क्षेत्र में, हर एरिया में बहुत बड़ी ताकत पैदा हुई है और मुझे लगता कि आने वाले महापालिका पे महाविकास आघाड़ी का झंडा 100% लहराएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम में एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, कांग्रेस के महासचिव संतोष षष्ठी, शिवसेना हिंदी भाषी मोर्चा के संदीप शर्मा समेत तीनों दलों के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। यहां शिवसेना के युवा नेता प्रवीण म्हात्रे ने कहा कि आगामी मनपा चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में शामिल युवा मंत्रियों के कामकाज से प्रभावित होकर अगले चुनाव में युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे अभी शिवसेना का अकेले का जो संख्या बल है वो 38 है और अभी एनसीपी और कांग्रेस भी हमारे साथ है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे जीतने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नारी शक्ति, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में नारी यहाँ पे उपस्थित है हमें शुभ आशीर्वाद देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी अभी अप्रैल में जो नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव आ रहा है वो लड़ने जा रही है और वो चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि जिनकी इनकी घर वापसी हो रही है उनके उनके स्ट्रांग पॉकेट है, वहाँ पे उनके खुद के बहुत सारे वोट है। अगर वो वोट हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत फायदा होगा, महाविकास आघाड़ी को बहुत सारा फायदा होने वाला है उससे। हमारा वार्ड अभी ओबीसी के लिए है, ओबीसी जनरल है, तो हमारे वार्ड में अभी पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास 4 लोग हैं जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए,
उसमें से किसी अच्छे कैंडिडेट को हम चुन के लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और भगवान की दया से हम वहाँ पर चुन के आएंगे सर। इस चुनाव में यूथ की भूमिका हम पिछले चुनाव से ही है, जब मैं युवा सेना का शहर अध्यक्ष था तभी ही मैंने 10 सीट कम से कम युवा सेना के लिए, युवाओं के लिए मांगे थे। तो डेफिनेटली अभी तो मैं पैरेंट कमेटी में हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो युवाओं का सबक बहुत सारा रहने वाला है और बहुत सारे टिकट हम लोग युवाओं को देने जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।